कैसे हैं जी आप सब लोग। तो हम लोग एक दफ़ा फिर मौजूद हैं जी आपकी खिदमत में, और आज हम मौजूद हैं जी अब्बा जी की होंडा सिटी 17 की एवरेज और ठंडा ठंडा एसी और साथ में ठंडी ठंडी गाड़ी। पहले हम जाते हैं और इसमें पेट्रोल डलवाते हैं जी, 3,000 रुपये का फ्रेश पेट्रोल डालते हैं इसमें, फिर आपको आगे की स्टोरी बताते हैं कि क्या वजह है आज हम बाहर क्या कर रहे हैं इतने सोने सोने मौसम में, जो घर बैठ के सिर्फ जो है चिल मारने वाला मौसम होता है। तो देखते हैं जी कंटिन्यू। लो जी इस वक्त हम भरवा रहे हैं इसमें फ्रेश फ्रेश पेट्रोल, 231 रुपये लीटर है भाई। ठीक है यार, सही है, भरता जा भरता जा। बस मैंने ऐसे कहा है कि मेरे से 1,000 रुपया ले और टैंकी मुझे जो है ना वो फुल कर दे, देखते हैं अब क्या बनता है। वाह जी वो 3,000 रुपये में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 13 लीटर पेट्रोल आ गया। नॉट बैड मैन, नॉट बैड। चल हो गया जी, कम शम हो गया, ख़त्म। फोन तोड़ दें गड्डी, चलो। और बेसिकली यार मैं जा रहा जो है ना वो रावलपिंडी हूँ। रावलपिंडी जाने की क्या वजह आई है, तो मेन वजह तो इसकी ये है, ये क्योंकि चेक लाइट आ रही है स्टेयरिंग की, और स्टेयरिंग अभी बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे ट्रक का स्टेयरिंग नहीं होता। बेसिकली यार इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग आता है ना, EPS, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ शो भी होगा EPS, तो ये जो है मोटर वाला स्टेयरिंग होता है, हाइड्रोलिक पंप वाला नहीं होता। इसमें बाज़ूकात ये होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है ECU, उसमें जो है ना फॉल्ट आ जाता है, कोई रीड हो जाता है, तो ये स्टेयरिंग आपका जो है ना फिर काम करना छोड़ देता है। फिर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे अटक में जो फरमान भाई हैं, माय फ्रेंड, वो तो हैं बड़े जी काबिल इंसान हैं, बड़े मेहनती इंसान हैं, वो हर किस्म का फॉल्ट क्लियर कर देते हैं, लेकिन इस फॉल्ट से उन्होंने भी हाथ उठा दिए हैं। और क्योंकि बेसिक यार सारी बात ये है कि जब तक इसे अच्छा स्कैनर नहीं ना लगता, तब तक हमें समझ नहीं आएगी कि इसमें फॉल्ट क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्योंकि ये एक बार पहले भी आ चुका है कुछ ही टाइम पहले, और इसके लिए हमें जाना पड़ा था पिशावर शोभा बाज़ार जो है वहाँ से हमने इसकी जो है वो ECU डब्बी जो होती है स्टेयरिंग की वो हमने ली थी, मगर वो भी कुछ टाइम जो है ना चल के और वो फिर वैसे ही हो गया स्टेयरिंग। तो अब जो है ना पिंडी में मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं, उन्होंने कोई जो है ना रेफरेंस दिया है किसी का कि बड़े अच्छे कोई बंदे हैं, वो जाएंगे तो एक दफ़ा जो है ना चेक करके देंगे अच्छा सा, क्योंकि यार ये स्टेयरिंग बिल्कुल ठीक था। अभी हम पीछे जब गए हैं ना मरी, और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जब ये बारिशों में इस्तेमाल हुआ है तो फिर से वैसे हो गया। अब कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है, तो यही चीज़ है, यही वजह है कि अब हम जो है ना जाएंगे पिंडी, और आज एक एक चीज़ जो है ना स्कैनर पर लग के चेक होगी गाड़ी की, तो इंशाल्लाह क्लियर होगा सारा खाता। और यार स्टेयरिंग तो इसका बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है, उसकी एक वजह ये भी है कि रिसेंटली मैंने इसके जो है स्टेयरिंग रैक था वो लूज़ था, उसको मैंने बुश लगवाया, तो उसके बाद ज़रा थोड़ा सा स्टेयरिंग हार्ड ही रहता है कुछ टाइम तक, इस्तेमाल होता है तो ठीक हो जाता है, बट जब पावर स्टेयरिंग होता है तो उसमें तो आपको इतना महसूस नहीं होती ये चीज़। स्टेयरिंग अभी बहुत हार्ड है यार, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, हाथ तोड़ है जैसे बंदे का। नहीं जी, आपके भाई को एक ऐसा बंदा मिल गया था टूल प्लाजा पे, वार्डन, उसने जो है ना लिफ्ट मांगी थी, उसे लेके आए हैं जी मोटरवे इंटरचेंज तक। आगे मैं उसका कहा भाई मैं वैना GT रोड तू, क्योंकि GT रोड से हमें है एक काम, वहाँ में हमने रुकना है थोड़ी देर के लिए। अब्बा जी ने एक और काम जो है ना हमारे मत थप दिया, तो वो पहले जो है ना करके तो फिर हम आगे रवाना होंगे, इसके लिए हमें अब जाना होगा वाह, और वहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे। और बारिश जो पहले 100 की स्पीड से आके गाड़ी के ऊपर बज रही थी वो अब जो है बंद हो गई है बिल्कुल, लगता है यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, बिल्कुल सूखा है सब कुछ। और क्या आज इसका स्टीयरिंग वो ठीक हो पाएगा या नहीं, तो जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। और लेडी दर दर की ठोकरें खाते हैं, अब हम पहुंच गए IGP रोड, और IGP रोड पे गाड़ियों का रश ऐसे टूटा हुआ है जैसे पटवारी जो है जलसे की बिरयानी के ऊपर टूटते हैं, और मैं भी इनमें से एक हूँ क्योंकि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। और जी अल्लाह पाक के फजल करम से हम लोग पहुंच गए, पहले अबू ने इस्लामाबाद भेज दिया था एग्जाम से, वहाँ पर पहले जाना पड़ा, उस पर जो है देर लगी बहुत सारी, मगर अब हम पहुँच गए। तो ये है जी जगह अपना डोक काला खान वाला जो पुल है ना उसके पास जगह है, और चकवाल आटा चक्की है, और ये बिल्कुल मेरे सामने जो है ना रेडिएंट स्कूल है ये वाला, और इधर अब जो है ना गाड़ी लगी हुई है, चेक कर रहे हैं, देखें अब क्या बनता है। और ले जी हमने अब गाड़ी इनके गैराज के विच कर दी है,
और अब ये लगे हुए हैं, लोगों ने स्कैनर पे जो है लर्निंग की है, तो उससे पता लग रहा है कि जो है ना सप्लाई जो है स्टेयरिंग मोटर को वो पूरी नहीं मिल रही, तो आपके फ्यूज़ वगैरह सब कुछ चेक कर रहे हैं, वायरिंग भी। और बाकी मैं अगर आपको इनकी दुकान का गेड़ा करवाऊँ तो काफ़ी सारे इन लोगों ने गन डाला हुआ है, मगर यार उस्ताद बड़े माहिर हैं, अंकल के जो है ना रेफरेंस से हम आए हैं इनके पास, बड़े माहिर बंदे हैं और बड़े पुराने काम करने वाले हैं, और इनके पास आती ही ऐसी गाड़ी हैं, इस वजह से ये लोग माहिर हैं कंप्यूटराइज गाड़ियों के, तो इंशाल्लाह जो है ना वो फॉल्ट क्लियर करके ही भेजेंगे हमें। और नहीं जी, बड़े टाइम बाद में हमने जो है ना इस तरह धूप में बारिश होती हुई देखी, जब हम लोग अंदर बैठे हुए थे तो उस टाइम जो है ना वो 200 की स्पीड से टका के धूप के बीच में जो है ना बारिश बज रही थी ज़मीन पर, और बड़ा ज़बरदस्त यार ये व्यू होता है। और ये चेक करेंगे आपके भाई की फेवरेट सिटी को, फेवरेट रिम्स मेरे, बड़ा मज़ा कर रहे हैं भाई। और अभी भी हल्की हल्की आँच पे बारिश लगी हुई है, नहीं और ऐसे ही हालात में अभी पैदल चल के हमने वापस जाना है वर्कशॉप तक। वो तेज़ बारिश थी यार, जगह जगह जो है ना पानी खड़ा हो गया सही, और अभी भी बिल्कुल हल्की आंच पे बारिश हो रही है, धूप भी फुल तेज है भाई। और ये चेक करें जी, रिबॉन को भी आपके भाई के फेवरेट वाले रिम्स लगे हुए हैं, बट थोड़ी सी प्रोफाइल बड़ी है, ये लगता है पंडी वालों के फेवरेट हैं। और चेक करें जी, ये है लॉन्च इजी डेक 2.0 का स्कैनर, जो कि बहुत महंगा स्कैनर होता है, और इससे आप हर किस्म का फॉल्ट जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। यही वजह कि इन लोगों ने अभी स्टीयरिंग का भी जो फॉल्ट था वो उसको डिटेक्ट करके फ़ौरी तौर पे क्लियर कर दिया, हमें किसी किस्म का कोई खर्चा करने की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी जो है ये मैप सेंसर की रीडिंग, इस पर जो चेक लाइट आ रही है उसका कुछ हल तलाश कर रहे हैं, और इस पर अभी कोड आ रहा है P1214, यानी कि जो है हाई वोल्टेज जो है मिल रहा है मैप सेंसर को, उसका अब ये लोग फाइंड कर रहे हैं कि क्यों हाई वोल्टेज आ रहा है उस। अच्छा जी, ये एयर इनटेक के ऊपर ये जो छोटा सा स्कैनर लगा हुआ होता है, ये भी इन लोगों ने चेंज करके चेक किया है, क्योंकि इसकी वजह से भी जो है ना चेक लाइट आती है, तो ये चेंज करने से भी चेक लाइट रिमूव नहीं हो रही, तो इसको एयर फ्लो सेंसर इसको कहते हैं, तो यही अब हल निकला है कि जो है मैप सेंसर में ही कोई फॉल्ट है। अब क्या कहते हैं, आए ऊपर वापस पहले नहीं आने से ना। और जी अब उस्ताद जी इसका कंप्यूटर खोल के अब यहाँ से वायरिंग वगैरह इसकी चेक कर रहे हैं कि आया यहाँ से तो नहीं कोई शॉर्ट वगैरह हो रहा कुछ, या कंप्यूटर में तो नहीं कोई फॉल्ट आ रहा, क्योंकि चेक लाइट यार रिमूव नहीं हो रही सेंसर चेंज करने के बावजूद, मैप सेंसर भी चेंज करने के बावजूद चेक लाइट रिमूव नहीं हो रही यार। आज वैसे समझ नहीं आ रहा गाड़ी को हो गया यार, पूरी पानी की टूटियाँ खोल रही है, चेक करो शॉर्ट शॉर्ट में पानी उठने तो जो है ना ठंडा आ रहा कर दिया। और जी अब हम एक दूसरे उस्ताद जी के पास आ गए हैं, यह भी अब जो है ना सप्लाई चेक कर रहे हैं मीटर मल्टीमीटर लगा के, और इनका भी यही कहना है कि आपका जो मैप सेंसर है उसको रिक्वायर्ड होती है 5 वोल्ट, तो आपके जो सर्किट में आ रहा है वो कभी 6 वोल्ट आ रहा है तो कभी 7 वोल्ट आ रहा है, मतलब कोई इशू यहाँ से ही है। दूसरा इनका कहना है आपका इनटेक मैनिफोल्ड वो भी थोड़ी सी हवा ले रहा है, उसको भी खोल के हम जो है सिलिकॉन डालेंगे तो फिर वो सही तरह से बैठेगा और गाड़ी ठीक होगी। अब और जी अब उस्ताद उन्होंने यहाँ पे काम लंबा डाल दिया है, अब इन लोगों ने सारे का सारा इनटेक मैनिफोल्ड खोला है, और उसके जो चैन वगैरह हैं उसको ये अच्छी तरह से सिलिकॉन करके पैक करेंगे कि जिससे फिर गाड़ी हवा नहीं लेगी, और एक हद काबला भी उसका शार्ट है वो भी डालेंगे ये। जिस किसी को पहले तो सदन नहीं खिलाया इसकी इंग्लैंड की नहीं नहीं बस जिस खिला है ना उस बेवकूफ है इसने कम से कह रहा तो खोल नहीं तो उसने काबले पूरे कर ए थला काबला लगा ही कोनी सास हां बिल्कुल उस्ताद। और यार काबला भी कोनी लगा सर फिर मुड़ी तो इसकी सिलिकॉन पाल सेटअप ए हल गई बाल बराबर भी गिनसी ना हवा जो मर्जी कर ले रहे हो गड्डी सेट में की और रेस नहीं बचे तू आवाज ले लेसी तो गड्डी फ्यूल भी ज्यादा खास बस जी। वो इनलेट जो हवा ले रहा था उसका काम हो गया। अभी हम ये फैज़ाबाद पुल के जो है ना बिल्कुल साथ ही है मार्केट है, बहुत बड़ी सारी
यहाँ पर अभी आए हैं और यहाँ से जो है इसका मैप सेंसर है वो ले रहे हैं। पिंडी एक तो बड़ी अच्छी बात है यार कि हर चीज़ मिल जाती है ना सुकून से, क्योंकि फॉल्ट तो जो है बेसिकली वही है कि उसको वोल्टेज जो है ना ज़्यादा मिल रही है, मगर ये उस्ताद जी कहते हैं कि एक दफ़ा हम जो है ना मैप सेंसर दूसरा लगा के चेक कर लेते हैं तो फिर जो है ना जैसे होगा तो देख लेते हैं फिर कर लेते हैं, क्योंकि अब तो इतनी रात हो गई, अब वायरिंग तो इसकी सारी टेस्ट की जा नहीं सकती और ये काम है भी लंबा सारा, तो इसलिए अब हम जो है ना वो सिर्फ नया सेंसर लेके एक दफ़ा डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या होता है क्या बनता है। बाकी मैं इंशाल्लाह मैप सेंसर लगाऊँ इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊँगा, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, उसमें मैं सारी बातें बताऊँगा कि इसका क्या पर्पज़ होता है और ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि अगर इस वीडियो में ही वो भी क्लिप ऐड करूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारी की सारी बातें जो है ना बताऊँगा मैप सेंसर से रिलेटेड इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो एक दफ़ा फिर से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और एज़ यूजुअल हम फिर मौजूद हैं अबाजी की होंडा सिटी 17 की एवरेज और ठंडा ठंडा एसी, और इस ठंडे ठंडे एसी का इस वक्त फ़ायदा बहुत है कि पिंडी में सुबह के टाइम जो है ना हब्स बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हुआ है, रोड बिल्कुल वीराने हैं, तो इस चीज़ का जो है ना फ़ायदा बड़ा हो रहा है। यार मुझे जो है ना रात यहाँ पर ऐसा हुआ कि रुकना पड़ गया और स्टेयरिंग का तो जो काम था वो तो फौरी तौर पर हो गया था, बिल्कुल सेट हो गया था, बट हमें टाइम लगा बहुत ज़्यादा इस चेक लाइट को रिमूव करने पर और ये भी जो है ना रिमूव नहीं हो पाई जी, बिल्कुल ये रिमूव नहीं हो पाई, वो काम जो है जी हमारा फिर उस्ताद जी ने कहा कि अब रात हो गई है, और वैसे भी यार वो वायरिंग इसकी सारी खोल के लानी है उस सेंसर से कंप्यूटर तक, कहीं से वो जो है ना शार्ट हो रही है कि जिसकी वजह से उसे वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, और इसका इफेक्ट गाड़ी पर यही आएगा कि चेक लाइट आती रहेगी और ज़रा पेट्रोल जो है ना गाड़ी थोड़ा वो ज़्यादा खाएगी। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी था इसमें कि इसका जो है अपना वो इनटेक मैनीफोल्ड है ना, इनटेक मैनीफोल्ड का एक बिल्कुल जो कोने वाला चार उसके काबले होते हैं ना, एक काबला उसका टूटा हुआ था और उसको जो है ना सिलिकॉन भी जिसने पहले खोल के लगाया ना वो सिलिकॉन भी सही नहीं भरी हुई थी, तो वो भी जो है ना उन्होंने खोल के सही तरह भरी है, मतलब यार काम मुझे 100% उन्होंने सेटिस्फाइड करके जो है ना भेजा। ये अब जो फॉल्ट है चेक लाइट वाला ये वो अब कहते हैं कि यार ये अब आपको जो है ना वो अब टाइम देना होगा इधर, अब फिर ही होगा काम, फिर ये इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट टाइम। आगे अबू ने अब जाना है मनसेरे, मैंने गाड़ी को, अब अबू का फ़ोन आ रहा है उन्हें वहाँ से हो रही है देर, तो मैंने उनको गाड़ी जो है ना फौरी तौर पे पहुँचानी है, तो इस वजह से अब मुझे ज़रा थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा गाड़ी को, तो फिर जो है ना बाकी का मैं आपको बताता हूँ फिर कि क्या बनता है। बाकी अब यार सुबह सुबह भी जो है ना पिंडी में अब अच्छा खासा रश होने लग गया है, अभी तकरीबन सुबह के 7 बजे का टाइम है ना, ये हाल है, निकलना मैंने जल्दी था बट देर तो हो गई है, बट चलो चेक करेंगे एक दफ़ा फिर से। 2000 रुपये का फ्रेश पेट्रोल डाल गया गाड़ी में है स्कूल के पंप से, और अब हम चढ़ेंगे मोटरवे पे। 2000 का पेट्रोल डालने से सुई वापस वहीं पर आ गई जहाँ पर पहले थी, तो चलो ये तो अच्छा हो गया, यानी कि इसका मतलब है कि पेट्रोल गाड़ी ने इतना नहीं खाया, ठीक ही है, चलो बेहतर हो गया।
ये स्टेयरिंग मेरा थोड़ा सा डिंगा है, उसकी वजह ये है कि गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है और गाड़ी जो है ना वो थोड़ी सी लहा भी रही है, इसी वजह से कि स्टेयरिंग ज़रा एक साइड पे पुल कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अब हम ज़्यादा स्पीड भी नहीं मार सकते, मैक्सिमम मैं जो है ना 130 तक जाता हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। ये अब अलाइनमेंट जाए तो जल्दी जल्दी घर पहुँचे, तो फिर जो है ना अब उसे टाइम ले के तो करवा लेते हैं, और क्योंकि यार ऐसा ठीक नहीं होगा ना। मेरी कोशिश थी बेसिकली कि बंदा जो है जल्दी कल अगर मैं फ्री हो जाता तो वहीं से जो है अलाइनमेंट करवा के और फिर जो है सुबह यहाँ से रवाना होता, या रात को ही हो जाता रवाना, बट देर हो गई थी यार बहुत ज़्यादा, इस वजह से जो है टाइम मिल नहीं सका। अब बस दौड़ लगी हुई है, अब अब्बू को भी पहुँचानी है गाड़ी, अब्बू ने भी अब जाना है आगे, तो बस अब ऐसे ही रात में जो है ना वो गुजारा करना होगा। मम्मी डैडी बच्चा है वही कोई, हाथों में ग्लव्स व्लव सब कुछ पहना हुआ गाड़ी में बैठ के, ऐसे भी लोग होते हैं आजकल वैसे। 10 रुपये आ रहा है सिर्फ बैलेंस, इसी वजह से दे रहा है ना। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से आ रहे हैं, अभी 70 रुपीज़ देने होते हैं यार। परली लाइन में मैं बढ़ जाता, खाली थी, मैं कहीं भी शायद एम टैग वाला ही होगा, ये पता नहीं ये क्या दे रहा है इसको, चिट धमकी तो नहीं दे रहा कहीं। चल भाई मेरा तो काम फ्री हो जाएगा यहाँ पर। जी क्या हुआ, 70 रुपये बैलेंस नहीं काम कर रही जी। गाड़ी का नंबर AFD 515। जी यूँ नहीं दे रहा ये कैसे। तो भाई असल वजह ये थी, इनका एम टैग जो है काम ही कोई नहीं कर रहा है, इनके स्कैनर और नंबर भी मैंने हालांकि इसको बताया गाड़ी का, पता ही कोई नहीं। एम टैग में भी यार ऐसे ग्लिचेस आएंगे यार, ये नहीं सोचा था हमने कभी भी, फिर इसका फ़ायदा क्या। चलो अच्छा है यार, अपने शहर में तो जो है ना मौसम कुछ अच्छा ही नज़र आ रहा है। 2 बजे आप भाई का शक बिल्कुल ठीक निकला, हमारे यहाँ पर तो हो रही है बारिश। एक चेक करें जी, बस रोड पे पड़े हुए पानी के साथ किसियाँ खाते हुए हो और हम इसी पानी में बस को चप्पे कराते हुए। और अब चेक करें जी माय फेवरेट बारिश, जो कि 300 की स्पीड में आके गाड़ी के ऊपर बज रही है और मज़ा खा रही है बहुत भाई। और ले जी हम पहुंच गए वापस अपने शहर, और आज की फटीक बस यहीं पर एंड होती है। और बहुत बहुत शुक्रिया यार आप सबका, वजह जो है ना व्लॉग्स में मेरे देखने का, और बस मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और इंशाल्लाह बस भाई के लिए दुआ करते रहा करो कि अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरी करे। और यहाँ पर भी भाई बारिश लग गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।